जब आप दुनिया में किसी भी काम को करते हो एक समय ऐसा आता है कि उसका इम्तिहान होता है परीक्षा होती है आपकी कि जो आपने पास्ट में किया है वो कितना सही किया कितना सिंसियर आप थे आप भविष्य की योजनाएं तो बना रहे थे लेकिन उन योजनाओं को बनाते समय क्या आप सच में सिंसियर थे क्या सच में आप योजना ही बना रहे थे प्लानिंग ही कर रहे थे आप पढ़ भी रहे थे इस बात का पता चल जाएगा कल पांच अगस्त और छह अगस्त को आर आरबी पीओ का एग्जाम है यू कहूं बैंक का पहला एग्जाम ऑफिशियली अगर यूं कहूं कि जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं कल से ये सिलसिला चालू हो रहा है मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उन सभी लोगों को जो पिछले छह महीने आठ महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं कुछ बातें हैं मैंने कहा एग्जाम से पहले आपके दिमाग में डाल दू क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है तैयारी बहुत अच्छी होती है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है लेकिन छोटी छोटी लापरवाही की वजह से हमारा पेपर कई बार हो ही नहीं पाता खराब हो जाता है तो आइए उन पर बात करते हैं पहले जरूरी बात है कि कल आपका एग्जाम है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे देखिए सबको सब पता होता है लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि शायद हम उतना अवेयर नहीं हो पाते हम पढ़ाई में इतना व्यस्त रहते हैं कि छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं वो छोटी छोटी बातें कौन सी हैं सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि रात में आठ बजे डाउनलोड करने जाऊंगा नौ बजे कैफे खुलेगा प्लीज सबसे पहला काम एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए दो पासपोर्ट साइज फोटो अगर नहीं है तो खिंचवा लीजिए क्योंकि हो सकता है दुकानें बंद रहे कुछ भी हो सकता है ना फिर आप बाद में स्टोरी में बोलोगे मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था आधार कार्ड अपना ढूंढ लीजिएगा आपको पता नहीं कहीं रखा होगा आपने भूल गए होंगे उस आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी

आधार या पेन लेकिन एक उसकी फोटो कॉपी जरूर करना क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि एग्जाम सेंटर के बार आपके लिए कोई जीरोक्स मशीन वाला बैठा होगा ऐसा नहीं होता है शूटिंग तो टाइम अगर आठ बजे है तो आठ बजे ही पहुंच जाना ऐसा ना हो कि आप आठ पांच पे पहुंचे और गेट बंद हो जाए फिर आप चिल्लाते रहे कोई सुनने वाला नहीं है आठ बजे से पहले ही आप पहुंचने की कोशिश करना कन्वीनियंस वगैरह चेक कर लेना बहुत जगहों पर बारिश हो रही है साधन क्या क्या है कावर चल रही है बहुत जगह पे ट्रैफिक डाइवर्ट हो रखा है तो आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद सारा प्लान कर लेना कौन छोड़ने जाएगा आपको कैसे आपको ट्रेवल करना है इस सारी जिम्मेदारी आप ही की है, कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ठीक है सर आपकी रिपोर्टिंग टाइम अगर आठ बजे है ठीक उसके एक घंटे बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा माइंड मेकअप करके चलना एग्जाम सेंटर में आपको एक घंटे मिलेगा खुद को एडजस्ट करने के लिए तो प्रेशर मत लेना कि घुसते ही प्रेशर में आ जाओ बिल्कुल नहीं रिलैक्स हो जाना एक घंटे आपको मिलेगा जैसे ही आप से अंदर घुसो पंद्रह से बीस मिनट आप अपने सिस्टम को चेक कर लेना जो आपको जैसे ही आप एंट्री लोगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा नहीं भी दिया पहली बार है जाते ही आपको बिठाएंगे सिस्टम पे बोलेंगे अपना रोल नंबर वोल नंबर सब देख लो फीड कर लो सब कुछ चेक कर लो आपका नाम आपकी फोटो आ रही है कि नहीं आ रही है ये पंद्रह से बीस मिनट में देख लेना अपना माउस वगैरह कीबोर्ड वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है काफी सारे बच्चे शिकायत करते हैं जब वो एग्जाम दे देते हैं कि सर मेरा ना माउस ही खराब हो गया बीच में और मेरे को ऊपर मतलब स्क्रॉल करने में मेरे माउस में बड़ी दिक्कत आ रही थी ये सारी की सारी बेसिक बातें हैं जो पेपर में इम्पैक्ट डालती हैं हर कोई ये तो बात कर रहा है कि कल पेपर में ये कर लेना वो कर लेना लेकिन ये बहुत जरूरी है भाई सही है ना क्योंकि आप उन सबसे लड़ सकते हो लेकिन इनसे लड़ नहीं सकते ना ठीक है सर तो अपना सिस्टम माउस वगैरह पंद्रह से बीस मिनट में देख लेना कोई दिक्कत परेशानी आपको आपके सिस्टम पे दिखाई दे तुरंत उठ के जो वहां पे एग्जामिनर होगा उसको तुरंत बोलना कि भाई मेरे सिस्टम में दिक्कत है चेंज करो मेरी सीट ठीक है समय मिलेगा वो कर देगा वहां पे इसके अलावा पेन और ए फोर शीट आ, कई बार मैंने देखा लास्ट ईयर शायद कोविड की बात थी कि पेन वो नहीं दे रहे थे आप सेफ साइड के लिए अपने पास से पेन लेके जाना अगर आपको कहा जाए कि पेन आपको अंदर मिलेंगे तो भाई अंदर मत ले जाना बट प्रैक्टिकली आप ए फोर शीट तो देखो वही देंगे आपको रफ काम करने के लिए बट फिर से बोलूंगा पेन साथ में ले चलना अगर वो अलाउ करेंगे तो ठीक है नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके पास मेंटली आप प्रिपेयर रहोगे देते हो तो अच्छा नहीं तो मैं भी लेके आया हूं तीसरी बात कि मैथ्स और रीजनिंग में से क्या पहले करना है इसके बारे में आप सोचना बेकार की बात है आपने जो अभी तक मॉक में किया उसी को परफॉर्म करना एंड मार्क फॉर रिव्यू जो क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है चाहे वो बहुत ईजी क्वेश्चन हो अप्रोक्सीमेशन का ही सवाल है आपसे नहीं क्लिक हो रहा आपको नहीं वैल्यू समझ में आ रही हो सकता है प्रेशर में आप आ गए हो बीच बीच में लंबी लंबी सांसें लेते रहना रिलैक्स करते रहना खुद को ताकि प्रेशर में ना आ जाओ देखिए ये पेपर नॉलेज का तो है साथ ही साथ आपके पेशेंस लेवल का भी पेपर है है ना तो घबरा मत जाना हाथ पैर फूल ना जाए कुछ लोगों के एग्जाम का फियर होता है प्रेशर होता है पहला एग्जाम किसी किसी का होता है डरना बिल्कुल भी नहीं है जो आपने पढ़ा है पेपर वैसे ही आएगा बस वो एनवायरमेंट का गेम है थोड़ा सा एनवायरमेंट में एडजस्ट करना इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बना रहा हूँ अभी मेंटली तैयार हो जाओ इसको देखने के बाद ठीक है सर जो क्वेश्चन नहीं समझ में उसको स्किप करो या फिर मार्क फॉर रिव्यू कर लो कि समय मिलेगा तो बाद में देख लेंगे लास्ट में बोलूंगा फोकस होने के लिए तुक्का ना लगाए कई बार क्या होता है कि हम किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है कि यार बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है तो हम तुक्का मार देते हैं कि चलो ये हो सकता है प्लीज ये काम आप तब करें जब आपको दिख रहा हो कि मैंने पहले वो क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें मैं श्योर sure हूं पहली बात तो तुक्का लगा ही ना यार क्योंकि आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड में थर्ड में इसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा ना यार हो सकता है कि आपके पेपर की शिफ्ट टफ आई हो आपको नहीं पता बाद में पता चलेगा जब आपको पता चलेगा मेरे पेपर की शिफ्ट टफ आई थी और बेकार में यार मेरे पेपर में तो चालीस ही क्वेश्चन थे पांच क्वेश्चन मैंने बेकार में एक्स्ट्रा कर लिए मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा एडवांटेज मिलेगी आपको अगर आपकी एक्यूरेसी काफी सही रहती है आप तुक्का उक्का नहीं लगा के आते हो ध्यान रखना छोटी छोटी बातें इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट करती है की, कल पेपर में आपको नहीं पता कि कौन सी पेपर की शिफ्ट टफ आई है वहां लिखा नहीं होता कि ये टफ शिफ्ट है ठीक है सर हो सकता है कि आपको लगे कि आपके पेपर की शिफ्ट बहुत टफ आई थी आप तुक्का उक्का मत मारे बाद में जब नॉर्मलाइजेशन होगा आपके मार्क्स वो बैलेंस हो जाएंगे इसके अलावा

शिफ्ट वाइज बनाया है पांच अगस्त और छह अगस्त के बच्चे जो भी हैं उनके लिए मैंने क्या किया शिफ्ट वाइज एक ग्रुप बनाया है जिससे हमें पता चलता रहेगा कि कौन से शिफ्ट डिफिकल्ट थी कौन से शिफ्ट आसान थी कौन से शिफ्ट के अटेम्प्ट कितने गए कितने उसके अटेम्प्ट गए तो ये काम करने से आपको खुद अंदाजा मिल जाएगा ये ग्रुप मैंने मैथ्स बैरून सर टेलीग्राम पे डाल दिया है बाकी इस वीडियो के नीचे भी मैं पिन कर दे रहा हूँ शिफ्ट वाइज व्हाट्सअप ग्रुप बनाए उसको ज्वाइन कर लेना पांच और छह अगस्त के बच्चे हैं उनके साथ में जूम कॉल भी करूंगा तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना उसी में जानकारी आगे की फिर हम वो करेंगे ठीक है सर तो ग्रुप बनाने से आपको पता लग जाएगा कौन से शिफ्ट का पेपर किस डेट का है लास्ट में फाइनल मोटिवेशन सिर्फ एक ही चीज है आप कल एग्जाम देने जा रहे हो कल आपका पेपर है दिमाग में जितने ख्याल आ रहे हैं वो आते रहेंगे एग्जाम तक उनको आप स्टॉप नहीं कर सकते है ना आप ख्यालों को रोक नहीं सकते लेकिन एक चीज आप अपने ख्यालों को बोल सकते हो कि मेरी प्रिपरेशन बहुत मजबूत है और मैं कल पेपर को उड़ा के आऊंगा बाकी रिलैक्स हो जाओ पेपर जैसा भी हो लास्ट में आप एक सुकून के साथ निकलो कि जितना मैंने तैयारी किया था उससे अच्छा मेरा पेपर गया है बस आपकी तैयारी कितनी हो देखो रियलिटी में जीना मेरा मानना है अच्छा हो आप कल एग्जाम देने जाइए आप उस मोटिवेशन के साथ सुकून के साथ बाहर निकलोगे यार मैंने इतनी पढ़ाई करी थी और मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं बस तो टेंशन मत लो आखिरी में है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से पेपर खराब हो जाएगा रिलैक्स हो जाओ एक लंबी गहरी सांस लो अपने मम्मी पापा से बात करो थोड़ी सी कि पापा कल हमारा एग्जाम है मम्मी हमारा एग्जाम है आपके घर वाले भी आपको यही बात बोलेंगे कि टेंशन मत ले कल बस एग्जाम दे के जा कल अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाओ सब अच्छा होगा विश्वास मत करो आपके लिए आप ही नहीं आपके घर वाले आपके टीचर्स सब आपके लिए प्रे करेंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा All the best. Good luck. All the best.